नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है भारत बेंज 1917R ट्रक। ये 18,500 किलोग्राम ग्रॉस व्हीकल वेट सेगमेंट में आने वाला एक ट्रक है। सबसे पहले आप फ्रंट लुक देख सकते हैं। फ्रंट लुक इसका बहुत सुंदर है। ये इस ट्रक का टॉप एंड वेरिएंट है। जिस गाड़ी का बम्पर पेंटेड होगा वो टॉप मॉडल होता है भारत बेंज में। फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर शानदार भारत बेंज का लोगो है। ऑटोबॉन ट्रकिंग की बैजिंग, पेंटेड फ्रंट बम्पर। ये सिंगल पीस बम्पर है। यहाँ पर आपको मिलता है सिंगल चेंबर हैलोजन हेडलैम्प्स DRL के साथ। फ्रंट ग्लास आप देख सकते हैं। ये इसका साइड लुक। डोर्स पर 1917 की बैजिंग दी गई है। दो स्टेप्स मिल जाती है आपको। इसमें आपको स्लीपर कैबिन मिलता है। यहाँ पर साइड इंडिकेटर्स है। टायर साइज की बात करें तो इसमें 295/90 R26 के टायर्स मिल जाते हैं। फ्रंट एक्सल पर लिफ्टिंग सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पर इसका एयर फिल्टर लोकेशन, कैबिन के पीछे एयर इनटेक, इसका ATS यानी कि आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है और एग्जॉस्ट पोजीशन यहाँ पर दी गई है। ATS की मदद से पोल्यूशन बहुत कम हो जाता है। ये सिस्टम इंजन के हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को एलिमिनेट कर देता है और एनवायरमेंट को सेव करता है। यहाँ पर है इसका AdBlue टैंक लोकेशन। AdBlue टैंक में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 43 लीटर्स और 36 लीटर्स। और इसके साइड में है डीजल फ्यूल टैंक। इसमें आपको तीन चार ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इसमें 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 215 लीटर और 200 लीटर यानी कि 215 लीटर्स और 200 लीटर्स ऐसे दो ऑप्शन मिलते हैं। और अगर आप इसमें 31 फीट वेरिएंट लेते हैं तो आपको 380 लीटर्स प्लस 380 लीटर्स के दो फ्यूल टैंक ऑप्शन मिलते हैं। और अगर आप चाहे तो इसमें 355 लीटर्स के दो फ्यूल टैंक ऑप्शन ले सकते हैं। ये व्हील बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रक में कितनी जगह है और उसी के हिसाब से आपको फ्यूल टैंक दी जाती है। साइड में आपको साइड अंडर आर्म प्रोटेक्शन सिस्टम मिलता है जिसकी मदद से ट्रैफिक कंडीशंस में बहुत सारे केसेस में होता है कि कभी कभी जब गाड़ियां बहुत क्लोज चलती है तो जो बाइकर्स वगैरह होते हैं वो टायर के नीचे आने का खतरा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर साइड अंडर आर्म प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम होती है। बॉडी पर आप देख सकते हैं, बॉडी काफी अच्छी है। इसमें आपको फुल्ली बिल्ट ऑप्शन, चेसिस ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप चाहे तो इसमें आप CBC यानी कि कैबिन विद चेसिस और आप इसमें हाफ साइड डेक और फुल साइड डेक ले सकते हैं। बॉडी पर आपको साइड मार्कर लैंप्स मिलेंगे। ये इसका रियर एक्सल। रियर एक्सल पर लिफ्टिंग सस्पेंशन दिया गया है और यहाँ पर इसका डिफरेंशियल एक्सल। चेसिस काफी हेवी है इसकी। स्पेयर व्हील लोकेशन इसका सेंट्रल साइड में दिया गया है। रियर लुक, भारत बेंज का शानदार लोगो मिल जाएगा। इंडियाज मोस्ट फ्यूल इफिशियंट ट्रक का यहाँ पर स्टिकर है। ये लोडिंग एरिया आप देख सकते हैं और फ्लोरिंग आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, फ्लैट फ्लोरिंग के साथ आता है। यहाँ पर इसका रिवर्स कैमरा, स्पेयर व्हील लोकेशन आप देख सकते हैं। चेसिस अंदर से इस प्रकार दिखती है। भारत बेंज का शानदार लोगो। रियर अंडर आर्म प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है जो पीछे की व्हीकल को भी प्रोटेक्ट करता है। जब गाड़ी इंपैक्ट देती है पीछे से तो अंदर घुस जाती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, पर इस गार्ड की वजह से काफ़ी नुकसान कम हो जाता है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं। इसमें चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। पीछे अगर कोई चीज आती है तो ये अलर्ट कर देते हैं। ये है इसके सिग्नेचर LED टेल लैंप्स। LED टेल लैंप्स की शुरुआत भारत बेंज ने की थी मार्केट में। रात में काफी ब्राइट चमकते हैं। यहाँ पर इसका स्टॉपर, ये भले ही छोटा दिखता होगा बट पूरे ट्रक को रोकने की क्षमता रखता है। काफी बेहतरीन ट्रक है भारत बेंज 1917R। ये इसकी क्लीनर साइड। यहाँ पर दो एयर प्रेशर टैंक है। ये इसकी बैटरी। इसमें आपको 24 वोल्ट बैटरी सेटअप मिलता है। यहाँ पर बैटरी कटआउट स्विच है। फ्यूल फिल्टर लोकेशन। यहाँ पर एक कैबिन लिफ्टिंग मैकेनिज्म। यहाँ पर एक कूलेंट रिजर्वायर। इस हैंडल की मदद से आप कैबिन को रेस कर सकते हैं। ये है भारत 6 की बैजिंग। चलिए अब इसके इंटीरियर्स को देखते हैं। ये देखिए, डोर्स इस प्रकार खुलते हैं। इसमें आपको पावर विंडोज मिल जाती है। हैंडल का पैटर्न भी अलग है थोड़ा सा। यहाँ पर दो स्टेप्स दी गई है अंदर एक्सेस करने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं इसके। ये है इसका शानदार डैशबोर्ड एरिया और कैबिन। यहाँ पर है फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील, भारत बेंज का लोगो। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपने भारत बेंज की 917/1017 बस में देखा होगा। ये वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है क्योंकि ये ILCV सेगमेंट की गाड़ी है। MNHCV सेगमेंट की गाड़ियों में थोड़ा अलग आता है, इसमें अलग आता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर एयर प्रेशर गेज है, यहाँ पर सेकेंडरी एयर प्रेशर गेज है और यहाँ पर RPM मीटर है। सेंट्रल साइड में मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यानी कि MID दिया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्टार्ट होता है। सेंट्रल साइड में ओडोमीटर, टेम्परेचर मीटर और आप अन्य डिटेल्स को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एवरेज कितना दे रहा है आप देख सकते हैं। 7.2 KMPL का भी माइलेज यहाँ पर दिखा रहा है। डिस्टेंस टू MT आप यहाँ पर देख सकते हैं, DT जिसे हम बोलते हैं। रनिंग आवर्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें पावर विंडोज मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कंट्रोल्स दिए गए पावर विंडोज के। आप देखिए, ये देखिए, ये टॉप एंड वेरिएंट है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं एडिशनल। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर के बटन्स दिए गए हैं और एग्जॉस्ट ब्रेक का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड में इंडिकेटर्स और लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट ब्रेक का बटन है। यहाँ पर रीजनरेशन ऑन ऑफ के कंट्रोल्स है। यहाँ पर हजार्ड लैंप का बटन है। यहाँ पर हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट का कंट्रोल दिया गया है। इसी के साथ साथ सेंट्रल साइड में आप देखिए यहाँ पर एक म्यूजिक सिस्टम मिलता है। यहाँ पर एक स्क्रीन दी गई छोटी सी, TFT LCD पैनल है। रिवर्स पार्किंग कैमरा का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर दिया गया है इसका। यहाँ पर इसके AC के कंट्रोल्स, नीचे पार्किंग का बटन है। यहाँ पर इमरजेंसी स्विच है। यहाँ पर एक 24 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है जिसकी मदद से आप इसमें फोन चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर दो AC वेंट्स हैं और यहाँ पर दो AC वेंट्स हैं। कैबिन में कुल चार AC वेंट्स मिल जाते हैं।
ये इसका 6-speed manual transmission। गियर पोजीशन आप देखिए बहुत अच्छी है, कार जैसा फीलिंग आपको आएगा। कंफर्ट लेवल तो भारत बेंज का सुपर है। धूप से बचने के लिए यहाँ पर सनविजर दिया गया है। अपर साइड में दो स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। और कैबिन आप देखिए दोस्तों, ओवरऑल कैबिन काफी अच्छा है। इसमें आपको स्लीपर कैबिन मिलता है, पीछे स्लीपर बर्थ है और स्पेसिंग काफी अच्छी है। इसमें 6 feet का ड्राइवर भी इसमें सो सकता है। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है और अगर आप चाहे तो इसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप इसे फोल्ड भी करेंगे तो ये देखिए स्पेस काफी अच्छा खासा यहाँ पर हो जाता है। अगर दो ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर बॉटल होल्डर दिया गया है और यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी स्पेसिंग भी मिल जाती है। यहाँ पर एक इसका ग्लोव बॉक्स है और नीचे आप फ्लोरिंग से देखिए, डिटेलिंग के बाबत में भारत बेंज को कोई कम्पीट नहीं कर सकता भाई। सच में काफी अच्छा ट्रक है। यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी सी मिल जाती है। यहाँ पर दो बॉटल होल्डर से बड़े बड़े यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग दी गई है। यहाँ पर इसका पार्किंग ब्रेक है, नीचे एक सीटर ब्रेक क्लच है और ओवरऑल जो कैबिन डिजाइन है दोस्तों सुपर है। भारत बेंज 1917R ट्रक की प्राइसिंग शुरू होती है 33 लाख रुपीज़ से। और दोस्तों इसमें कई सारे वेरिएंट्स आते हैं जिसकी वजह से ये जो प्राइसिंग है ये ऊपर नीचे हो सकती है। इस ट्रक के बेस एंड टॉप वेरिएंट में 50,000 से 60,000 रुपीज़ का फ़र्क पड़ सकता है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको पेंटेड बम्पर, एयर कंडीशनर, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे ऑटोबान ट्रकिंग नासिक का, जिनकी वजह से हम आपको ये गाड़ी दिखा पाए। अगर आप इस ट्रक को नासिक महाराष्ट्र में खरीदना चाहते हैं तो आप ऑटोबान ट्रकिंग से संपर्क जरूर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।